ग्राम पंचायत चुनाव बंदोबस्त दौरान समुद्रपुर पुलिस ने अवैध धंधों पर की विविध कार्रवाई में मुद्देमाल जब्त किया गया। ग्राम पंचायत चुनाव बंदोबस्त दौरान 1 नवंबर से पुलिस स्टेशन समुद्रपुर के थानेदार एसबी शेगांवकर के मार्गदर्शन में डीबी पथक के पुलिस हवालदार अरविंद ऐनुरकर, रवि पुरोहित, राजेश शिंदे, सचिन भारशंकर, पुलिस अमलदार वैभव चरडे ने पुलिस स्टेशन समुद्रपुर परिसर में छापा मारते हुए विविध स्थान अवैध धंधे करने वाले गुनहगारों पर कार्रवाई की। उनकी ओर से बड़े पैमाने पर मुद्देमाल जब्त किया गया। अवैध तरीके से देसी और विदेशी शराब की तस्करी और बिक्री करने वाले 10 गुनहगारों पर शराबबंदी कायदा के अनुसार और अवैध सट्टा एवं जुआ व्यवसाय करने वाले 2 गुनहगारों पर जुगाड़ कायदा के मुताबिक कार्रवाई की गई। ऐसी विविध कार्रवाई में कुल 13,86,250 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। अवैध धंधे करने वाले गुनहगारों में पुलिस का भय निर्माण हुआ है। ग्राम पंचायत चुनाव सभी और शांतता से संपन्न होने के लिए समुद्रपुर पुलिस परिसर में नियमित पेट्रोलिंग करते हुए गुनहगारों पर कार्रवाई कर शांतता प्रस्थापित करने के लिए प्रयासशील है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सागर कवड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी रोशन पंडित इनके मार्गदर्शन में पुलिस स्टेशन के समुद्रपुर के थानेदार सहायक पुलिस निरीक्षक एसबी शेगांवकर इनके निर्देश के मुताबिक सहायक फौजदार बिकी मस्के, पुलिस हवालदार अरविंद ऐनुरकर, रवि पुरोहित, राजेश शेंडे, सचिन भारशंकर, पुलिस अमलदार वैभव चरडे ने की।